पार्सल आ चुका है, मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों को ये जानना है कि अकाउंट कैसे मोनेटाइज हो, कैरियर है ये पुराना है, ट्रैक्टर में है एक्चुअली। कौन सा है? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आईएसबीटी कुछ काम से, मैं और अब्दुल और जानम भाई। और उसके बाद हम चलेंगे रात को पठान देखने। तो गाइस अगर मेरे को नहीं लेके गए तो फिर कमेंट में इन दोनों के नाम का बस हल्ला बोल देना, हल्ला। अगर कोई नहीं बोलेगा मैं अकेले कमेंट करता रहूंगा, कम से कम 100 कमेंट इन दोनों के नाम। और कौन सा ऐड तो आएगा ब्रो, मोनेटाइज हो रखा अकाउंट ब्रो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐड भी नहीं चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों को ये जानना है कि अकाउंट कैसे मोनेटाइज हुआ तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। चलते हैं अभी आगे, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का सीन। दिल्ली से आ रही है हमारी पार्टी तो नहीं, कार्टन लेने जा रहा है। तो गाइस इसे हम आइस वीडियो छोड़ने आए हैं, ये जा रहा है लद्दाख से लाएगा हमारे लिए रेत, जिसका बनाएंगे हम 42 भी उधर ही। तो गाइस हमारा पार्सल आ चुका है यूट्यूब के, जो वो गिरा दे टूट जाएगा शीशा है वैसे अंदर। तो गाइस हमारा पार्सल आ चुका है जो यूट्यूब वालों ने भिजवाया है, और ये अब हम अंदर मतलब घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है। तब तक चलते हैं घर, बहुत भारी है यार। तो गाइस बड़े मुश्किल से हमने ये गार्डन लिया और अब हम आ चुके गाड़ी में, और अब यहाँ पे थोड़ा रुक के चाय चुई पियेंगे, आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद घर जाके दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। लेट्स गो। तो गाइस हमने नया ट्रैक्टर खरीद लिया, मैंने हम मत बोलिए भाई। हाँ तो ये है हमारा नया ट्रैक्टर, कवर कर रखा है हमने ताकि धूल ना पड़े। ब्रांड न्यू, ये जो कैरियर है ये पुराना है, ट्रैक्टर नया है। ये मेरा है, ये आगे वाला हिस्सा मेरा है और ये पीछे वाला इसका है। नहीं, मेरे टायर है, बाकी सब इंजन इसका है। और टायर भी मैंने इसे दिया है, किस्त में पैसे दे रहा है मेरे को, बात नहीं हुई थी भाई लेकिन अब होगी। चोर दूसरे के घर का ताला खोल रहा है, चोर बोल दे भाई, खोल दे भाई। एक्सपर्ट बंदे। हमने ट्रैक्टर का खरीद लिया, बैंकर घर में चोरी करने लग गए, फिर कल को बोलेगा अपना ट्रैक्टर बेच के मेरा चालान भरो, ऐसा नहीं करने वाला, पहले बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है, इसको भी तोड़ दूं। ये तोड़ा है इसने, क्योंकि ये दूसरा ताला है। कितना कितना मतलब बंदे में चाबी है लेकिन बोल रहा तोड़ दूं, दया हो रहा पूरा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, और सुबह के बजे 7 बजे होंगे शायद, और मैं अब भी उठा था और मैं ऊपर आया। लुक एट दिस आउट, बारिश हो रही है, मौसम चेक करो आप, उधर धूप सी निकल रही है हल्की सी, और इस साइड देखो बारिश भी हो रही है। तो बारिश हो रही है मतलब समझ रहे हो आप कि स्नोफॉल होने वाली है बहुत जल्द, इस बार तो हम आपको पक्का स्नोफॉल में लेकर आने वाले। लुक एट आर बाइक गाइज, एक तो ये इतनी गंदी हो रही है और ऊपर से इसमें सामान भी रखा है हमने, बाइक बहुत गंदी हो रही है गाइज, ये देखो पूरा कीचड़ हो रखा है और इसमें सामान ले रखा है, ये सामान अभी मेरे को लेकर सैलाकु ही पहुँचना है। सो हेलो जी, और हम बहुत करीब है अपने 2K सब्सक्राइबर्स, जैसे कि आपने देखा है मैंने रेगुलर ब्लॉग्स डाले, एक हफ्ता हो गया मैं रेगुलर ब्लॉग्स के, रिस्पांस अच्छा है, कुछ वीडियोस में व्यूज नहीं आए हैं, कुछ में व्यूज आए हैं। तो यार शुरुआत है, 2K सब्सक्राइबर्स है, 2 मिलियन नहीं, हम पूरा ध्यान देंगे, लगे रहेंगे, क्योंकि गाइज सिर्फ पैसा और फ्रेम नहीं चाहिए, लाइफ में कुछ है जो प्रूफ करके दिखाना है बहुतों को, अपनों को भी। मैं तो लगा पड़ा रहूंगा इसमें, मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, मेरे दोस्त वगैरह साथ हैं और कुछ और भी साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ रहो और पूरा साथ दो, और गाइस कमेंट जरूर किया करो, उससे ना मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। मुझे पता है कि अभी बहुत कम है हर चीज, लेकिन एक दिन जरूर हम बहुत आगे जाएंगे, मुझे भरोसा है खुद पे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये ऐसा भरोसा बनाए रखे, कीप सपोर्टिंग गाइस। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10 और मैं निकला था अभी फैक्ट्री से, और आज पूरा टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग अपडेट कर पाता या कुछ भी कर पाता, तो जैसा भी है मैं अभी घर जाऊंगा और उसके बाद आपको बताता हूँ सारा। देहरादून में अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, तो बारिश के बाद मौसम के बाद मौसम एकदम ठंडा सा हो गया, मेरे को लगा मैं गाड़ी में जाऊंगा इसलिए मैं ग्लव्स भी नहीं ला पाया, और अभी मेरा हाथ एकदम सुन हो गया गाइस, बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी मैं घर पहुंचने वाला हूँ, लगभग आधा रास्ता पहुंच चुका हूँ, यहाँ से हम घर जाएंगे। और देखा अगर GoPro ना हो रहा तो बहुत दिक्कत होती है, अगर GoPro होता तो मेरे को इतना जमीन ना करना पड़ता, कोई नहीं एक ना एक दिन बिल्कुल लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे गाइस। गाइस मैं पहुंच गया था घर, और अब जैकेट की हालत देखो और बाइक की हालत देखो गाइस, ये चेक करो भाई कितनी गंदी हो रही है, ये इतनी गंदी हो रही है ना भाई, और क्योंकि हाफ रास्ते में आया था और हाफ रास्ते के बाद वहाँ पे बारिश हो गई थी बहुत भयंकर वाली, तो मैं वहाँ पे रुक गया था। हेलमेट चेक करिए आप, ये
तो मैं वहाँ पे रुक गया था और फिर मैं वहाँ से आया और मेरे को वैसे 25 मिनट करीब लगता है वहाँ से आने में, लेकिन आज मेरे को 40 मिनट लग गए क्योंकि एक तो बारिश बहुत हो रही थी और ऊपर से ठंडा भी बहुत हो रहा था। मैं भी आराम आराम से आया। अब गाइज फीलिंग वेरी सैड कि डेली ब्लॉग्स का जो मैं रेगुलर डाल रहा था वो मैं अभी भी डाल ही रहा हूँ, आज भी मैंने डाल ही दिया किसी कुछ ना कुछ करके। लेकिन बस यही बोलूंगा कि गाइज के सपोर्टिंग है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की।